गुमला के भरनो प्रखंड का पारस नहर एक बार फिर से टूट गया है, जिससे किसानों के खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई। नहर टूटने की सूचना सिसई विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरुण उराव को मिली, जिसके बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ आकर जहां नहर टूटा है उसका जायजा लिया। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उपायुक्त से जल्द नहर की मरम्मति कराने की मांग की है। लेकिन किसानों को जरूरत है पानी की, पानी नहीं मिल पा रहा इस लीकेज की वजह से, और दूसरा ये पानी जहां निकल के खेतों को बर्बाद कर रहा है। मैं आज दोबारा अधिकारियों से बात करूंगा और कैसे यहां दोबारा ये लीकेज इमिडिएटली बंद हो, और साथ ही साथ डैम का जो लीकेज है उस पर भी जल्द कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर। पानी रत लग तो फिर हमारे फसल होता, पानी नहीं के कारण से हमारे खेत तैयार करके छोड़ दें, और जोन भी आदमी अगर मान ले फसल डाल दे है, वो आदमी पानी के कारण से ऊपर कोड़ा खोपा भी नहीं हुआ थे और वो मतलब झुरमुरा जाते मरे कर कगार में आ जा। नहर कर टूटल फाटल से इतना नुकसान जाते किसान के कि लास्ट कगार में खंजे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।